नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेनरॉन टेक के एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, आज यहां पर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी स्मार्ट वॉच। मॉडल नंबर है माइक्रोवेयर का H7। ये एक फ़ोन स्मार्ट वॉच है, यानी कि इसके अंदर आप सिम कार्ड डाल सकते हैं, कॉल्स लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या कुछ इस बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक छोटा बॉक्स और इसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, जिसके ज़रिए से आप सिम ट्रे निकाल कर उसमें सिम डाल सकते हैं, और एक चार्जिंग केबल जिसके थ्रू आप इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं, और एक मैनुअल जो चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये थी बॉक्स कंटेंट की बात। तो अब हम आते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट की तरफ, जो है माइक्रोवेयर का H7 स्मार्ट वॉच फोन। तो यहाँ पर इसे हम अनरैप कर देते हैं, और यहाँ पर ये वॉच दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर दो बटन है, सबसे पहले बैक बटन और पावर ऑन बटन। यहाँ पे माइक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कैमरा दिया गया है और सेकेंडरी माइक यहाँ पर अवेलेबल है। पीछे की तरफ ध्यान दें तो हार्ट रेट सेंसर मिल जाएगा आपको, और पावर पिंस मिल जाएगी जिसके थ्रू आप इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो सिलिकॉन बेल्ट है उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ओके, सो बहुत ही प्रीमियम फील देता है ये स्मार्ट वॉच। यहाँ पर पीछे दो स्क्रूज देख सकते हैं आप, जिसके अंदर आप सिम लगा सकते हैं इसे ओपन करके। तो चलिए दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच को बूट अप करते हैं और इसी के साथ जानते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस। इसके अंदर आपको M.Tech का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो है क्वाड कोर 1.1 GHz का, 1 GB रैम, 8 GB की मेमोरी, 1.54 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन है 320x320, 5 MP का कैमरा इसके अंदर दिया गया है, GPS, Wi-Fi, ब्लूटूथ, 600 mAh की बैटरी और एंड्रॉयड 4.4। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अंदर आपको हार्ट रेट, पेडोमीटर, स्लीप मॉनिटरिंग और इसी के साथ बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्रैकिंग ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे वॉकिंग, रनिंग, बाइकिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस स्मार्ट वॉच के अंदर दी गई है। सो यहाँ पर दोस्तों, फाइनली वॉच जो है वो बूट अप हो चुकी है, और यहाँ पर लेफ्ट राइट स्वाइप करके आप अपने सारे ऑप्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से वॉच फेसेस को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप टैप करके रखें अपने वॉच फेस पर, और आप इसके दिए हुए प्रीसेट्स में से या थीम में से कोई भी वॉच डायल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये डायल जो है वो नज़र आ रहा है, और बहुत सारे डायल्स हैं, इनमें से जो भी आपको चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत इजी है। वैसे यहाँ पर डाउनलोड के लिए ऑप्शन नहीं है, जो प्रीसेट्स इसके अंदर दिए गए हैं वही आप इस पर सेट कर सकते हैं। तो ये बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर अगर हमने राइट स्वाइप किया है तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस देख पाएंगे, क्लॉक सेटिंग, ब्राउज़र। तो चलिए सेटिंग आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, वायरलेस नेटवर्क्स, डिस्प्ले, साउंड, मोड सिलेक्शन, बहुत सारे अच्छे खासे ऑप्शंस दिए गए हैं। वो सारे ऑप्शंस हैं जो एक मोबाइल फ़ोन के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर वाईफाई जो है ये मैं ऑन कर लेता हूँ, ये कनेक्ट हो गया है आप देख सकते हैं सनैश करके। तो ये वाईफाई सेट है। होम बटन दिया गया है स्क्रीन पर, और यहाँ पर ब्राउज़र में जाकर आपको मैं एक कोई भी एक वीडियो चलाकर दिखाता हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये स्मार्ट वॉच के अंदर आप मोबाइल जैसे हर एक चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मैंने ओपन किया है, और ये चला गया, ये फिर से ब्राउज़र पर चलते हैं। ओके, और यहाँ पर जो भी आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, और उसके बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वीडियो जो है वो चल रहा है, हालांकि साउंड मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, तो साउंड मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। एक सैम्पल वीडियो ज़रूर मैं एट द एंड डाल दूंगा साउंड को लेकर स्मार्ट वॉच के। तो बहुत ही बढ़िया सी है, बहुत ही छोटा नेविगेशन दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूट्यूब चल रहा है और यूट्यूब पर हम वीडियो देख रहे हैं, और टच भी जो है वो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्सिव है स्मार्ट वॉच के ऊपर। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर टूल्स, कैमरा, स्टाइल ऑप्शन, और यहाँ पर स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप अपने मेन्यू स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि हमारा जो मेन्यू स्टाइल है वो किस तरह से चेंज हो गया है। तो यहाँ पर एक और कोई मेन्यू स्टाइल ले लेते हैं, ये देखिए वापस हम डिफ़ॉल्ट मेन्यू स्टाइल पर आ गए। कैमरा पर चलते हैं, आपको कैमरा क्वालिटी दिखा देते हैं। तो ये देखिए कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया सी क्वालिटी है, HD कैमरा दिया गया है, और बहुत ही फाइन रिकॉर्डिंग इसमें होती है। आप फोटो स्नैप कर सकते हैं, आप वीडियो निकाल सकते हैं इस कैमरे से। तो इस वक्त मैं कमरे के अंदर हूँ जहाँ पर लाइटिंग
ठीक ठाक है और बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग जो है वो इस कैमरे के अंदर हो रही है। अगर आप आउटडोर कंडीशन पर इस कैमरे से रिकॉर्ड करें तो बहुत बढ़िया फोटोज़ या वीडियोज़ जो है वो निकल कर आएंगे। तो ये थी कैमरा, ये होम बटन हमने दबा दिया तो वापस हम होम स्क्रीन पर आ गए और देखते हैं और क्या अवेलेबल है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कैमरा देखा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ऑडियो। तो ऑडियो सेंटर में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, हालांकि म्यूज़िक भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में सैम्पल जो है वो मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास गैलरी और वीडियोस मिल जाएंगे जो भी आप शूट करेंगे। सबसे अच्छी बात है इस फ़ोन के अंदर या इस स्मार्ट वॉच के अंदर कि प्ले स्टोर दिया गया है, यानी कि आप प्ले स्टोर पर जाके आप अपने ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, ट्विटर चला सकते हैं और यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, रिमोट ऑप्शंस फ़ोन फाइंडिंग के लिए या फोंडोज़ इनके खुद के एप्लीकेशंस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बढ़िया सी चीज़ें हैं यहाँ पर, और भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमने अप स्वाइप किया है, बैटरी इंडिकेटर मिल गया, जीपीआरएस मिल गया है, हमें वाईफाई मिल गया है, यहाँ पे फ़ोन सेटिंग मिल गई है, क्लोज ऑल एप्लीकेशन मिल गया है, ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ब्राइटनेस जो है मैंने मैक्सिमम ही रखी है ताकि शूट के वक्त कोई दिक्कत ना आए आपको दिखाई दे। तो और यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस अगर आपने जितने भी ओपन किए हैं उसे आप क्लोज डाउन कर सकते हैं। ब्लूटूथ दिया गया है, एसओएस सर्विस है, फ्लाइट मोड दिया गया है, बहुत सारे अच्छे खासे ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके पास अगर आप राइट स्वाइप करें तो बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑप्शन अवेलेबल हैं जो ट्रैकिंग करने के लिए काम आते हैं, जहाँ पर आपको रनिंग, बाइकिंग, हाइकिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल जाएगी। जैसे एक सैम्पल दिखाते हैं आपको, वॉकिंग पर हमने क्लिक किया है, जीपीआरएस को पास कर लेते हैं। अब ये देखिए ये सेट हो गया है, अब यहाँ पर आप अपना वॉकिंग जो है वो आप जारी रख सकते हैं और सारी जो डिटेल्स है आपके हार्ट रेट की डिटेल्स, आपके वॉकिंग आपने कितना कर लिया है, कितने किलोमीटर आपने वॉक कर लिया है, वो सब कुछ यहाँ पे इन डेप्थ डिटेल के अंदर आपको मिलेगा। तो बहुत बढ़िया सी वॉच है दोस्तों ये, तो हर एक स्पोर्ट्स ट्रैकिंग ऑप्शन जो है इसके अंदर दिया गया है, बेहतरीन। अब नीचे जाएंगे तो नीचे भी आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में सारे ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कंपास मिल जाएगा, तो कंपास के थ्रू आप जो लोकेशंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप माउंटेनिंग के लिए गए हैं या आउटडोर के लिए गए हैं। यहाँ पर आपको रनिंग वॉकिंग का जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा, हार्ट रेट आप सेंस कर सकते हैं यहाँ पर, और देखे तो वेदर कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं, बढ़िया सी चीज़ है। ब्लड प्रेशर जो है वो आप नाप सकते हैं और माउंटेनिंग के दौरान जो भी डिटेल्स होगी वो आप सब यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्मार्ट वॉच के अंदर, वाकई में बहुत ही बढ़िया सी स्मार्ट वॉच है। अगर आप भी दोस्तों अगर ये स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं तो इसका परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आज ही खरीदे, सस्ते किफ़ायती दामों पर यह स्मार्ट वॉच अवेलेबल है। तो ये बढ़िया सी स्मार्ट वॉच ज़रूर खरीदे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक बटन दबाए, ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहे चेंड्रॉन टेक।